एवरीवन, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मेरी टॉप 3 लिपस्टिक जिन्हें मैं डेली लाइफ में या फिर मार्केट ओकेजनल टाइम पार्टीज वेयर में यूज़ करती हूं एज अ डस्क स्किन टोन, और वो मेरे लुक को इतना इन्हांस कर देती है कि मैं क्या ही बताऊं। तो चलो जान लेते कि वो 3 लिपस्टिक कौन से विदाउट किसी बकबक की। तो चलो देखते हैं, मेरे पास है टोटल 3 लिपस्टिक। फर्स्ट वन है ये हमारा स्विस ब्यूटी का, एंड सेकेंड वन हमारा मार्स का गर्ल पावर 10 है। इन आप मुझे लगता है आप लोगों में से कई लोग इसको जानते होंगे। एंड थर्ड वन है हमारा स्विस ब्यूटी का लिप क्रेयॉन। बेसिकली ये दोनों ही लिप क्रेयॉन्स हैं, और ये वाला मैट लिपस्टिक, मैं कहूँगी मैट उतना नहीं है बट ट्रांसफर प्रूफ नहीं है, मैट है लेकिन ट्रांसफर प्रूफ नहीं है। ये दोनों ट्रांसफर प्रूफ है लेकिन ये ट्रांसफर प्रूफ नहीं है, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा इसी को यूज़ करती हूँ। तो चलिए बात कर लेते हैं कि ये मैं क्यों और कब यूज़ करती हूँ, और चलिए देख लेते हैं कि इनका प्राइस क्या है और हमें ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ मार्स लिपस्टिक को। मार्स का लिपस्टिक है आपका गर्ल पावर 10। मैंने इसे 8 मंथ पहले खरीदा था और अभी भी स्टिल इतना बचा हुआ है, थोड़ा सा बड़ा था। और ये मुझे कम से कम तकरीबन मुझे ये आई थिंक 247 का मुझे ये पड़ा था ये लिप क्रेयॉन। एंड द सेकेंड वन हमारा स्विस ब्यूटी का लिप क्रेयॉन है, जो कि जिसका नाम है 23 चोकोबार लिप क्रेयॉन, और ये भी काफ़ी अच्छी खासी इनकी सेल्फ लाइफ है। मैंने इसे ख़रीदा था 2025 में, और इसके 2025 अभी आई नहीं है, 2023 में, और इसकी सेल्फ लाइफ 2026 तक है, 5वें महीने तक। और इसका जो मैंने जो आपको पहले वाला दिखाया था, इसके सेल्फ लाइफ है, इसे मैंने 2022 में ख़रीदा था और इसकी सेल्फ लाइफ है 2025 तक, इसकी जनवरी तक सेल्फ लाइफ है। तो बात कर ली जाए कि मैं इन्हें क्यों यूज़ करती हूँ। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊँ, कई जो स्किन टोन होते हैं ना, कभी कभी अगर हम डार्क कलर लगा लेते हैं तो वो हमारे पे उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। जैसे कि अभी मेरे पे अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर मैं इसे गलत टाइम पर लगा लूँ तो ये बिल्कुल भी मेरे पे अच्छा नहीं लगेगा। और जो मेरा थर्ड वन लिपस्टिक है, वो थर्ड वन हमारा स्विस ब्यूटी का है। स्विस ब्यूटी का ये है, आई थिंक स्विस ब्यूटी मेरी फेवरेट लिपस्टिक्स में से एक है, क्योंकि स्विस ब्यूटी की लिपस्टिक सारी ही बहुत अच्छी खासी है। ये बुलेट फॉर्म में है, ये देखिए, और इसका शेड है 11 चोकोलावा, और इसकी भी शेल्फ लाइफ 2026 तक है, 6वें महीने तक। और ये कुछ ऐसा टेक्सचर है इसका, देखिए मैंने इसको पूरा हाफ़ ख़त्म कर दिया है, नहीं हाफ नहीं, हाँ लेकिन हाफ़ ख़त्म कर दिया, थोड़ा सा ऊपर और था और मैंने ख़त्म कर दिया है। ये मैंने नहीं लगाया है, ये मत सोचना कि मैंने वही कलर लगाया है, ये मैंने दूसरा कलर लगाया है, वो भी बता रही थी कि कौन सा कलर लगाया है। बेसिकली मैं इन्हीं तीनों को ज़्यादा यूज़ करती हूँ अपनी डेली लाइफ में, और कहीं जाना भी होता है तो मैं इन्हीं सब लिपस्टिक्स को यूज़ करती हूँ और बाकी कोई लिपस्टिक यूज़ नहीं करती हूँ। और ये है मेरा जो मैंने अभी वेयर किया है इस लिपस्टिक को, तो ये मैंने NYB का है, और इसका शेड मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, डार्क सा शेड है, डार्क पिंकिश, ऐसे पता नहीं क्यों वीडियो में उतना डार्क नहीं आ रहा है, बट ऑन द कैमरा ये थोड़ा सा आपको लाइट लग रहा है, लेकिन ऑफ पे मतलब मेरे जो मिरर है उसमें बहुत ज़्यादा डार्क लगता है। तो ये अभी आपको डार्क ना लग रहा हो, लेकिन इसलिए मैं नेचुरल लाइट्स में शूट करती हूँ कि ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। लेकिन एग्जैक्ट इसी शेड का है मेरा, लेकिन थोड़ा सा इसे डार्क है, ठीक है। और इसे मैं अगर आपको दिखाऊँ तो देखो इसमें आपको कुछ पता चल रहा होगा, तो ये डार्क है, तो ये डार्क मरून लिपस्टिक है, और इसका शेड नंबर है मार्वलस माइकल 19, पता नहीं क्या कुछ लिखा है, मार्वलस माइकल 19, और ये 4.2 ग्राम्स का है। और मेरा जो ये मार्क्स वाला लिपस्टिक है, सॉरी स्विस ब्यूटी वाला, ये आपका तकरीबन इस पे मेंशन तो नहीं किया गया है कि ये कितने ग्राम्स है, बट मार्स में जहाँ तक मुझे पता है, आई डोंट नो कि ये लोगों ने इनमें मेंशन क्यों नहीं किया है कि कितने ग्राम्स है, लेकिन साइट पे मेंशन है, आप साइट पे जाकर चेक कर सकते हो। और ये वाला जो मेरा है, इसका जो इस पर भी मेंशन है गाइस, मुझे शायद दिख नहीं रहा है, बट ये भी मुझे ऐसा लगता है 4 ग्राम्स का होगा, है 4.2 ग्राम्स समथिंग ऐसा ही कुछ होगा, या फिर 4.1 ऐसे ही करके कुछ होगा। बात की जाए इनको कितने देर तक स्टे रहते हैं, तो मैं आप सबको लाइव एग्जांपल भी डेमो भी दिखाऊंगी कि कैसा लगता है आपके लिप्स पे, डोंट वरी। तो इस वाली लिपस्टिक की अगर बात की जाए जो कि स्विस ब्यूटी की है, तो इसे लगाने के बाद मुझे ऐसा लगता है 4-5 घंटे तक आराम से चल जाती है, अगर आप कुछ खाओ पियो ना, लेकिन हाँ लिप्स को अच्छे से मॉइस्चराइज़ कर लेना। अगर आप लिप्स को मॉइस्चराइज़ नहीं करोगे तो आप
कि मतलब जो लिप्स थोड़े से फटने लगेंगे, इसलिए कहीं भी बाहर जाने से पहले वैसलीन या कोई भी अगर आपके पास लिप बाम है उसे लगाकर आधे घंटे तक अपने लिप को मॉइस्चराइज़ कर लेना, उसके बाद ही लगाना। और ये वाला थोड़ा ओवर ड्राई करता है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि वैसलीन लगाने के बाद ही लगाना। बात की जाए इस वाले लिपस्टिक की, तो ये उतना ओवर ड्राई लिपस्टिक नहीं है। जब भी मैं इसे लगाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मैंने कोई क्रीम बेस्ड सा लिपस्टिक लगाया है, और मुझे सबसे ज़्यादा ज़्यादा पसंद है क्योंकि इसका कलर ही अलग है और लुक भी बहुत अच्छा खासा देता है। तो जब भी मैं इन तीनों को लगाती हूँ ना, तो मेरे स्किन पे एक हैवी सा लिपस्टिक नहीं लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने एक अच्छा बहुत ही सटल सा लिपस्टिक लगाया है। और अगर आप एक ऐसा डस्क स्किन टोन हो मेरी तरह, तो आपको इन तीनों लिपस्टिक में से किसी ना किसी को ज़रूर देखना चाहिए, आप ख़रीदना चाहिए, क्योंकि ये तीनों लिपस्टिक काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होने वाली हैं। और अगर आप इन तीनों में से कोई एक परचेस करना चाहोगे तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी मार्स का लिपस्टिक लो, क्योंकि मार्स का जो लिप क्राउन है काफ़ी ज़्यादा फेमस है मार्केट में मिलता है। नहीं पता, मैंने इसे ऑनलाइन परचेस किया था फ्लिपकार्ट से, आप भी फ्लिपकार्ट से परचेस कर सकते हो, आपको 236 में मिल जाएगा अप्रॉक्स। और ये मुझे 220 या 223, 230, 36, 40 तक मुझे ये मिला था। और ये वाला जो है इसका दाम 300 से ऊपर है, बट ये मुझे ऑफलाइन 250 का परचेस मैंने किया था इसे नायका से, और ये वाला मुझे फ्री मिला था, तब से मैं इसे यूज़ कर रही हूँ और काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अगर आपको डार्क रेड मैरून टाइप का लिपस्टिक चाहिए पार्टी के लिए, तो आप इसे भी ले सकते हो। लेकिन अगर आप ऐसा डस्क स्किन टोन और आप मुझसे सजेशन मांगते हो कि आपको मैं कौन सा लिपस्टिक सजेस्ट करूँ, तो आप तीनों में से किसी को भी आंख बंद करके ले सकते हो। तो चलिए इनका टेक्सचर देख लेते हैं और कलर देख लेते हैं कि कैसा लगता है। तो फर्स्ट मैं आपको मार्स वाला दिखाऊंगी एकदम सटल लाइट में। तो ये मैंने यहाँ पे, ये देखो, ये है मार्स का लिपस्टिक, ये वाला, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो, सॉरी गलत था इस साइड। और ये हमारा तीनों सेम ही एक्सेप्ट सेम है, ये मत सोचना। और हमें यहाँ पे निशान, अब ये दूसरा है, ये स्विस ब्यूटी का है, ये देखो, यू कैन सी दैट, ये थोड़ा सा ऑरेंजिश शेड में है और ये थोड़ा सा ब्राउनी शेड में, चॉकलेट शेड में। और उसके बाद हमारा आता है, मुझे ब्राउन लिपस्टिक बहुत पसंद है, ये देखो, तीनों का शेड अलग है, ये नहीं सोचना कि शेड अलग नहीं है। सो, बात की जाए, ये देखिए, ये बहुत कम लगेगा लेकिन ये पूरा ही लग जाएगा। और ये भी थोड़ा सा कुछ देर बाद, ये वाला तो एकदम ही वाटरप्रूफ टाइप का है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जल्दी स्टे कर, ज़्यादा देर तक स्टे करेगा, ये भी ज़्यादा देर तक स्टे करेगा। बट ये वाली की गारंटी नहीं है, क्योंकि ये वाला आपको रीअप्लाई करना पड़ सकता है, क्योंकि इसका थोड़ा सा जो स्टे कंसिस्टेंसी है ना लिप पर, वो ज़्यादा देर तक नहीं है। बट तीनों आपके लिप्स पे बहुत अच्छी लगने वाली है। आप देख सकते हो तो कितना सुंदर सा शेड है, मैं आपको ऐसे भी दिखा देती हूँ, ये देखो, आपको शायद नज़र ना आ रहा हो बट ये कुछ ऐसा शेड है। और ये आप दोनों में डिफरेंस देख सकते हो, मैंने हाथ भी दिखा दिया और लिप्स भी दिखा दिया, ये वाला ज़्यादा ऑरेंजिस लग रहा है, ये ब्राउनी लग रहा है। ओके, सो अब हम लोग को थोड़ा देखना चाहिए मास्क का, इसमें है ये वाला। सो ये वाला आप देख ही चुके हो, काफ़ी अच्छा शेड मुझे लगता है। तो मैंने आपको सारी चीज़ें डिटेलिंग बता ही दी है। तो अगर आपको इसे परचेस करना है तो आप फ्लिपकार्ट पे तीनों आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। और ये वाला जो है ये भी दिखाई देती हूँ, तो ये रेड मैरूनी शेड में है। सो अगर आपको ये लिपस्टिक्स पसंद आई है तो आप ज़रूर इसे खरीदिए, हो सकता है आपके लिए हेल्पफुल हो जाए। एज अ डस्क स्किन टोन मैं चाहती हूँ कि आप भी खूबसूरत लगो। एक चीज़ बताना मैं भूल गई बोनस टाइप का, कि जब आप इसे लगाओगे तो आपकी स्किन थोड़ी सी ब्राइटर लगेगी और काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी ना, मेकअप की भी आपकी स्किन पर अच्छे से जाने वाली। मैंने कोई मेकअप अप्लाई नहीं किया है, सिंपली मॉइस्चराइज़र एंड पाउडर लगाया है और कुछ भी नहीं, सनस्क्रीन मेरा ख़त्म हो चुका है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इन तीनों में से कोई भी अच्छी लग रही है इसको हटाकर, तो आप तीनों में से कोई भी एक परचेस कर सकते हो आंख बंद करके, और आपको ज़रूर पसंद आने वाली है, मेरा दरवाज़ा बोल रहा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना यार, आप ही लोग तो वीडियो बनाती होती है, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए डेमो देख के जाना।